पकोड़े का ना मम्मी पापा पकोड़े पकोड़े बहुत स्वाद आ रहे हैं और देखो चाय भी पी रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं विनू नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए व्लॉग में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का उत्तराखंड के इन हसीन वादियों से, मेरे गांव भीताकोट से। दोस्तों आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 2 बजे से, और अभी खाना वाना नहीं खाया, अभी ना के आई हूँ सुबह से, अब फ्री हो रखे हैं। और आज सुबह से नहीं की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग, क्योंकि आज मैंने घर की थोड़ा लिपाई की तो उसमें हाथ ख़राब हो जाते, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई। तो अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या, तो चलते हैं खाना खाने अभी। और आज मैंने बनाई है झोई भात, तो चलते हैं, दाल भी बनाई है साथ में, तो चलते हैं खाना खाने, फिर उसके बाद मिलूँगी आपको। तो दोस्तों खाना पीना भी हमारा हो चुका है और अब बच गए हैं 4, और मैं जा रही हूँ अभी बाखली, वहाँ से घास लाने, उस वाले गाँव में जाना है मेरे को, वो उधर, और वहाँ से मुझे लेके आनी है पेड़ वाली घास जिसको बोलते हैं भ्यून, वो लेके आना है। तो चलते हैं, और आज मेरे घर ने अभी आ रखी है मेरी बिल्ली, और ये दूसरी भी आ रखी है मेरी छोटी बहन सपना। हेलो। और चलते हैं, वहाँ दादी भी आ रखी है। तो बाखली में मेरा मेरे पापा का ननिहाल है, और दिखाऊंगी आपको अपनी बुबू को भी, नानी को। तो चलते हैं बाखली। दोस्तों मुझे जाना है अभी उस गांव में, और यहाँ से लेके यहाँ को जाना है, उस वाले गांव में जाना है, तो चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं दुकान, दोस्तों हम पहुँच चुके हैं बाखली गांव, और यहाँ से हमारा गांव भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, आधा आधा सा, हमारे घर नहीं दिख रहे। तो मैं पहुँच चुकी अपने बूबू के घर पे, ये है मेरी बूबू। हेलो बोलो, बोलो हेलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो ठीक छो बोल, तुम ठीक छा, ये काटल बोल बिहु, ये वो काटल बोल कहते बूबू गाय। हां ले का गाय सोवा दीच, सोवा दीदी मीनू सोवा दीच, ई मोल काटल बिहु नु त्यार, वीडियो कॉल बड़ा मवा, अच्छा काटल बोल बिहु तुम्हारी बोले दे, अ तब बना जना बूबू गणी, बूबू खाई, हां अभी बनो पहले यूं कौन बोलो, हेलो इनके हाथ करो, हेलो हाथ कर बल, जो काटल बोले बोले ओ काटल ब्यू सीधा ब्यूला फेंके रहे रहा, कितनी चाय बनानी है, कितनी चाय बनानी है, कदू ने बोले हम ये ले बस दादी को, तो हमने पहले देखा है। हाय गाइस, हाय गाइस बोलो बना दिया, हां गाइस अब मैं जाऊंगी इस पेड़ में, अब काटूंगी भीमल और दादी नीचे से इसको वो करेगी, इसमें जाऊंगी मैं, थोड़ा वो देखो गाइस, गाइस गाइस मेरे मम्मी इतने सारे हो गए नीचे, हेलो बोलो, हेलो गाइस, अरे मीनू दीदी दिख भी नहीं रही। दोस्तों मैंने इससे भीमल काट लिया, और अपने लिए गडोला भी लगा दिया है बिट का, और ये मेरा आदि भी ले जा रहा है थोड़ा सा। तो चलते हैं अब घर को, बाय दादी, बाय बाय। दोस्तों चलते हैं घर को, और 5:30 तो यहीं हो गया, जाते जाते रात भी हो जाएगी,
वो उधर जाना अभी हमारा गांव उधर। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ कीमरौला में और यहाँ पे शिव का मंदिर भी है। अभी तो नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे पास सर में घास है, तो मैं चलती हूँ घर को, लेट हो रहा है, अक्ष भी रो रहा होगा। दोस्तों मैं अपने गांव में पहुंच चुकी हूँ और मैं आ गई उतनी दूर से, वो उस गांव से वहाँ से वहाँ और यहाँ यहाँ पहुंच चुकी हूँ। और आदि अभी पीछे पीछे आ रहा है और अक्षु को लगी है घर पे भूख, अक्षु रो रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ, तो आपको अब सीधे घर पे मिलूँगी। मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ और अक्षु को दूध वूध भी पिला दिया है और चलते हैं अपने किचन की ओर। यहाँ पे पापा ने आग जला दी। हाँ बोलो। मुझे ठंड लग रही है। ठंड कल हो रहा जड्डू, बहुत हो रहा है आजकल। वो तो पहाड़ों में कोहरा नहीं है ना, तो बहुत आग। एक तो बढ़िया काम हो रहा है, एक थोड़ी हो रहा ठंड। हाँ और रूम में यहाँ पे मेरी अच्छी भी रो रही है ही। हेलो बोलो, हेलो हाय बल। दोस्तों आज हम बना रहे हैं पकोड़े, और पकोड़े के लिए सब्जी मैंने काट ली है, प्याज आलू और पत्ता गोभी। दोस्तों हमने पकोड़े बना लिए, पकोड़े बन चुके हैं। कहाँ मम्मी पापा पकोड़ा? हाँ पकोड़े बहुत स्वाद आ रहे हैं और देखो चाय भी पी रहे हैं। आहा। पापा को मेरे पकोड़े, मेरे बनाए पकोड़े अच्छे लगे। आ रहे हैं देखा, वाह 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 वाह, ये क्या बात है ना, कभी पापा में ये चीज मिलती कहाँ है। गरम गरम पकोड़े और ठंड है ये, देखो तुमसे क्या स्वाद आ रहा है। तो गाइस हमारी पकौड़ियाँ भी बन चुकी है और खाने वाले थाली भी खत्म हो गई। खाने वालों के लिए कम होगी बस पकौड़ियाँ, खाने वाले बढ़ गए। अब ये है न्यू ब्लॉगर परवीन, क्या परवीन, क्या चाहिए ब्लॉगर नाम, परवीन यू के। इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। पकौड़े खाओ। दोस्तों मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ और खाना पीना भी हमारा हो चुका है और अभी टाइम 10 बज चुके हैं। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मीनू नेगी फिर से मिलूंगी आपको एक नए दिन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।